कैन ए आई रिप्लेस एंडिटर्स वेल शॉर्ट में कहूँ ए आई का रिससे तो वाकिफ होंगे की लेंसा चैट जी पी टी डाली टू आप इन सब चीजों का नाम बहुत ज्यादा सुन रहे हो गए रिसेंटली न्यूज में एंड लोग भी काफी ज्यादा रिजल्ट शेयर कर रहे हैं जो कि इन्होंने ए आई को यूज करके बनाया है और ऐसी बात चल रही है लेकिन इस बात में कितना सच है लेट्स गेट टू नो दिस इन दिस वीडियो तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा आई जो कि मैंने जितना भी मैंने ए आई को यूज किया है अभी रिसेंटली मैंने जो फील किया है जिसमें सबसे पहली चीज आज थी की ए आई इज नॉट परफेक्ट लोग जितने भी हैं वो ए आई ने जितने भी बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करे हैं वो उसको दिखा रहे हैं बट लोग ये चीज नहीं दिखा रहे हैं व्हेन और कुड नॉट डू द जॉब एक एग्जाम्पल के तौर तो पर बताऊँ आपको तो जब हम फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एआई फीचर्स रहते हैं लेकिन इतने परफेक्ट नहीं रहते हैं जैसे मैंने एक बहुत ही पुरानी फोटो थी उसको मैंने रिस्टोर करने की कोशिश करी तो उसमें एआई कुछ टूल्स थे उनको मैंने यूज़ किया था हालांकि दे डिड अ गुड जॉब बट उसको परफेक्ट बनाने के लिए ह्यूमन इनपुट रिक्वायर्ड रहता है एक और एग्जाम्पल है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको कटआउट करना चाहते हैं तो आप फोटोशॉप में ऑटोमेटिकली कर सकते लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अडोब का एआई उतनी अच्छी तरीके से कटआउट नहीं हमें दे पाता है तो हमें मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है चीज़ और एक और चीज़ है कि ए का यूज केस मुझे बहुत लिमिटेड लगता है क्योंकि मैंने चैट जीबीडी और डाली टू को यूज किया था और कुछ टाइम के लिए बड़ा मजा आया था कि हाँ बड़ी फन चीज है यार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कुछ भी डालो वो चीज बना के दे देती है साइड से आलू डालो

इसको तो किसी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड में मैन्युफैक्चर किया गया है हमें लोगों की आर्ट इसलिए पसंद आती है बिकॉज उसके पीछे एक मीनिंग होता है कि आर्टिस्ट ने कैसे वो आर्ट बनाई क्या उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और वो आर्ट कितनी अच्छी थी क्या हम एज ए ह्यूमन फील करते हैं जब हम कोई चीज देखते हैं तो मुझे नहीं लगता की ए आई जब कोई चीज बनाएगी और आप देखोगे तो आई डोंट काइंड ऑफ कनेक्शन फॉर एक्साम्पल विसेंट वांगो एक बहुत ही फेमस पेंटर थे जब आप उनकी पेंटिंग देखते हो तो आप सिर्फ पेंटिंग नहीं देख रहे हो आप उसके पीछे का मीनिंग देख रहे हो उसके पीछे की पूरी कहानी और कैसे उस आर्टिस्ट ने वो आर्ट बनाई उसके पीछे का जो पूरा प्रोसेस था उसके पीछे प्रोसेस की जो स्टोरी थी तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करतेट इज वाई थिंक दट आर्ट केन नॉट बी रिप्लेस बाई ए आई थर्ड पॉइंट आर नॉट वायर टू चेंज रैपिडली ये चीज आई डोट थिंक किसी ने एड्रेस करिए बट वी एज ह्यूमस वी लाइफ फेमिलियरिटी हमें चेंज इतना ज्यादा पसंद नहीं आता और इतनी जल्दी बहुत सारी चीजें चेंज चीज़ होती हैं तो वी डोंट लाइक दैट वी जस्ट लाइक दैट कंफर्टेबल स्पेस जहां पे सारी चीजें फेमिलियर हो, हमें पता है कैसे चीजें क्या करनी है फॉर एग्जाम्पल सिनेमा स्टिल एग्जिस्ट इवन दो प्लेटफॉर्म इतने सारे आ गए इतनी सारी वेब सीरीज बनती है लेकिन हम फिर भी सिनेमा जाते हैं टू गेट दैट दट एक्सपीरियंस और पेंटिंग्स भी फॉर मिलियन डॉलर दे गेट सोल्ड इन द ऑप्शन पीपल माइट पे फॉर ए आई एंड यूज इट फॉर अ वाइल जस्ट लाइक एनी अदर न्यू टॉय इन द मार्केट बट सून दिल गेट बोर्ड ऑफ इट इजी फॉर एक्जाम्पल आपको सीरी और एलेक्सा तो याद ही होगा शुरू में जब हमारे पास सीरी या लेकिन पास होता है हम भूल जाते हैं। और हमें ऐसा है, यार इतना कुछ खास यूज नहीं है सब चीजों का बट शुरू में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगती है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे सामने भी अलेक्सा पड़ी हुई है बट आई स्टिल डोंट और वो यही पड़ी रहती है काफी टाइम से इतना की धूल भी जमने लगी अब तो फोर्थ पॉइंट आई नाउ

फिफ्थ पॉइंट इसमें यह आ जाता है कि जो भी एआई बनाता है वो उसके पीछे जो भी आर्टवर्क्स हैं जो कि ऑनलाइन डेटा पड़ा हुआ है क्रिएटर्स की जो आर्टवर्क है वो उसको ही लेके वो सारा डेटा लेके वो नई आर्ट बनाता है एंड दैट काइंड ऑफ कम्स अंडर कॉपीराइट राइट क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी एआई जनरेटेड जो फोटोज होती है उसमें नीचे कहीं पे कुछ कुछ फोटोज में जिसने पहले वो कभी आर्ट बनाई होगी तो उनका नाम लिखा आ जाता है जैसे वॉटर होता है ना वैसे एंड एक और प्रॉब्लम यह है कि कॉस्ट ऑफ यूजिंग क्योंकि जितनी भी ए आ रही है उन सबको यूज करने के लिए यू हैव टू पे तो आप कितने सारे ए मॉडल्स की सब्सक्रिप्शन लोगे क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे

लेकिन जैसा मैं सोच रहा था एक्जैक्टली exactly मुझे वैसी इमेजेस नहीं मिली एंड आई हैड टू सेटल व्हाट एआई मी इसमें मेरा कुछ इनपुट था ही नहीं और अगर आप क्लोजली देखो उस फोटो को तो उस फोटो में काफी उसके हाँ से नहीं बने हुए, इमेज नहीं मिली थी मुझे बट इट मेड माई वर्क फ्लो फास्ट मुझे ढूंढना नहीं पड़ा पिक्चर में आई जस्ट टाइप डे एंड आई फाउंड फर्स्ट फोटो विच आई लाइक एंड आई जस्ट यूज डेट विच इज ऑल्सो सिमिलर टू द हैसल मान लो किसी को आर्ट वर्क बहुत जल्दी से चाहिए टाइम लेके बनाए उस चीज को The AI model and get his artwork done in a few seconds, but with no adjustments. थर्ड पॉइंट हैव इज दट इज इन रिसर्च अगर आपको मान लो किसी भी टॉपिक पर कोई इन्फॉर्मेशन जल्दी से चाहिए या फिर बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैट जीपी का यूज कर सकते हो उसको फुलफिल करने के लिए इन्फॉर्मेशन दट दर नॉट दट मस रिला चैट जीबीडी कैन ऑल्सो राइट कोर्स यू जो कि आपको मैन्युली लिखने पड़ते हैं एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट आइडिया जनरेशन एंड इंस्पिशन टू मेक एचुअल आर्ट की मान लो आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है एंड आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो तो यू कैन जस्ट टेक द हेल्प ऑफ ए आई टू गेट इट विजुलाइज एंड देन आप उस पर और ज्यादा क्रिएटिविटी एड कर सकते हो और

मास्टर ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर आपको वो यूज आप भी चीज के मास्टर हो तो फिर चाहे एआई कितनी बेटर हो जाए आप वो ह्यूमन इनपुट लाके उसको और अच्छा बना सकते हो हालांकि ए आई के इतना डेवलप होने की वजह से जो एवरेज ग्राफिक डिजाइनर है आई थिंक उनकी जॉब भले ही जा सकती है बट जो प्रो है

डेटा मिलता रहेगा वो उतना ही ज्यादा रिफाइन होती जाएगी इन द फैक्ट दट ए आई लर्न ऑन इट्स ओन दिस इज जस्ट अ बिग ने और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले पांच या दस सालों में इसकी इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा होगी जस्ट लाइक हाउ इट वर्क विद स्मार्टो बैक इन टेन ईयर्स मतलब दस साल पहले हमारे पास टच स्क्रीन फोन आना शुरू हुए थे एंड नाउ हैज टच स्क्रीन फोन सो लेट सी वट द फ्यूचर होल्ड फॉर अस बट एम ऑप्टोमिस्टिक आई एंड ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विल हेल्प अस इन डूइंग वॉट वी एक्चुअली लव एंड बी मोर क्रिएटिव बाई नॉट डूइंग ऑल द मैनुअल लेबर बिकॉज आफ्टर ऑल द पर्पज ऑफ ह्यूमन रेस इज टू बी क्रिएटिव Not to do menial jobs. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड ऑल्सो डें फर्ग टू सब्सक्राइब माई चैनल काफी मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है कोई भी सजेशन है तो यू कैन कॉमेंट डॉन बिलो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं देंडल्स विल भी डाउन बिलो अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखने आपको इस सैंड मिल जाएगी अगर आपको मेरी शॉर्ट फिल्म आपको इस सेंड मिल जाएगी एंड विद ने बाय